ते सुनाना वाजी सोने दे चार गुल दे पीछे केड़ा रोस पाया भी चार गुल किते घुमाया भी चार गुल किते घुमाया भी सोने दे चार गुल हाय सोने दे चार गुल दे पीछे केड़ा रोस पाया भी चार गुल किते घुमाया भी चार गुल किते घुमाया भी सोने दे चार गुल हाय सोने दे चार गुल हाय सोने दे चार गुल मैं कितनु के नवा तू पैर चांजर पाया कर मैं कितनु के नवा तू पैर चांजर पाया कर हुजरे अगो लंके जरा दब के कदम छाया कर हुजरे अगो लंके जरा दब के कदम छाया कर सुरखी पाउडर करके खाए सुरखी पाउडर करके ते सोने दा टीका लाया भी चार गुल किते घुमा विचार गुल किते घुमाया भी सुरखी पाउडर कर के खाए सुरखी पाउडर कर के ते सोने दा टीका लाया भी चार गुल किते घुमाया भी चार गुल किते घुमाया भी सोने दे चार गुल हाय सोने दे चार गुल दे पीछे केड़ा रोस पाया भी चार गुल किते घुमाया भी चार गुल किते घुमाया भी सोने दे चार गुल मैं तो पहले भी ये कह चुका हूँ कि बिल्कुल एक नवे अंदाज देकर नवे रूप देकर मेरे तक कम से कम सामने आए मेरे कोल तो कुछ और ही अंदाज आया तेने मिलकर एक रमज़ान ट्रांसमिशन भी की थी के टू की बल्कि एवीटी खैबर दी एवीटी खैबर तो ते बिल्कुल जी जे लब्बे किया रमज़ान तो उस देकर भी साढ़े नाल आए और ज़ाहिर इन्होंने वो अपना एक फन है अल्लाह तबारक व तआला ने इन्होंने वदियत की तो है तो नात दा जड़ा एक मोतबर हवाले एक मुस्तनद हवाले और फिर जिस तरह मैंने पहले भी किया कि इन्होंने जड़े उस्ताद है खा वो शायरी का हवाले है खा उन्होंने नातखानी का सनाखानी का हवाले उन्होंने सारे घर बहुत ताक है लेकिन बहुत कम इस तरह के मौके आते हैं जिस इजकार नातखान इस तरह महाफिल इजकार बैठ के जाहिर है कि वो सारे हवाले जिस तरह असी नात भी कहने गज़ल भी कहने कसीदा जाहिर ये हवाला उन्होंने भी है और इन्होंने जाहिर है कि उन्हें याद है फरद शोह इजकार भी एक बहुत मारूफ नाम ने नहीं लेना मारूफ आए नात खान तो उसकी बाद उन्होंने जिंदगी के हवाले गुफ्तगू होती रही तो आखिर इजकार मॉर्निंग विद फरा उस इजकार उसने उसकी फरमाइश की थी कि जी तुहानू कौन पसंद है यानी गाने के हवाले सना खाने के हवाले नहीं गाने के हवाले उन्हें कहा मैं रफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो उसने कहा अच्छा जी तो फिर उसका कोई गीत हो जाए उसने कहा नहीं मैं तो उसका गीत नहीं गाना उसने कहा क्यों उसने कहा तुम्हें पसंद है तो फिर क्यों नहीं गाते हो कहते लेकिन मैं तो जाहिर है कि हूँ मेरी वजह शोहरत जड़ी तो सना खान उसने किया मतलब शायरी है ना कलाम है ना और जाहिर जिस तरह तू पढ़ने तुनू अल्लाह ताला ने इस तरह उसी उसमें भी अल्लाह ताला ने एक फन एक हुनर दिता है तो उस महफिल देजकार उसने फिर एक बहुत खूबसूरत रफीदा गीत वो दुनिया के रखवाले गाए तो वो और एक ऐसे कमांड ना उसने गाए और उसी बात फरह ने उसने कहा कि वापस जाने का ज़रा एहतियात करें असी भी शहजाद नू कहने तुसी भी देखो जिस वक्त सबलाइम दे कि पॉपुलर चैनल है मलिक अरशद दा यह जिस वक्त आनियर प्रोग्राम जाए तो वह ज़रा एहतियात न गलियाँ कूचियाँ कर फेरा करो लोग तो प्यार भी बहुत दे सन यकीनन क्योंकि पिशौर की गली कूचन और रहने वाले सारे पिशौरी वो तो प्यार भी बहुत दे सन लेकिन अदरवाइज भी थोड़े खिंचाई भी हो सकती बहुत शुक्रिया मैं शाह साहब मैं ये सोच के आया और मैं शागिर्द ने भी कहना मैंने कहा यार बुजुर्गों का जरा कहना होंगे या उन्होंने जरा हुक्म होंगे ना वो मन्ना भी ईमान का एक जुज होंगे और मैं अज उ और हिंको मेरी मादरी जबान है क्योंकि अवान आसी माँ वालों भी प्यो वालों भी अवान आ तो ये उस अपनी जबान जो प्यार नहीं करता उसका ईमान कमजोर होंगे तो वो थोड़ी गल मेरे जहन चाहे कि मैं जरा तो ढाल अपने अगर रख के तो मैं इंशाल्लाह जा सा मैं अपनी दुआ जरूर याद रखा करो अल्लाह ताला तुहानू सारयां नू सलामत रखे ये चेहरे देखने ते असी तरोताज़ा हो जाने ते इसी दे नाल इजाजत चाहसा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात हाईजैक नहीं की तो ऐसा है कि मैं तो नात लिख लाया था लेकिन ईद मिलन और आपकी जो मोहब्बत भरी गुफ्तगू है उससे मैंने एक फिर गज़ल के एक दो शेर नफ़रत के वास्ते ना अदावत के वास्ते आए हैं हम जहाँ में मोहब्बत के वास्ते नफ़रत के वास्ते ना अदावत के वास्ते आए हैं हम जहाँ में मोहब्बत के वास्ते
और इंसान वो है जिससे बड़े दोस्ती की शान, इंसान है वो जिससे बड़े दोस्ती की शान, दुश्मन से दुश्मनी हो तो जुल्मत के वास्ते, इंसान वो है जिससे बड़े दोस्ती की शान, दुश्मन से दुश्मनी हो तो जुल्मत के वास्ते। और कुछ लोग वो हैं जिनको हमारी खबर नहीं, कुछ लोग वो हैं जिनको हमारी खबर नहीं, और कुछ खफा हैं हमसे शराफत के वास्ते। और ये सिलसिले दराज जो हैं इश्क दर्द के, कब से हैं बेकरार करामत के वास्ते, नफ़रत के वास्ते ना अदावत के वास्ते, आए हैं हम जहां में मोहब्बत के वास्ते। मुबारक हो तुझको जन्मदिन महीना, मुबारक हो तुझको जन्मदिन महीना, कभी डगमगाए न तेरा सफीना, बहार आके जाए न तेरे चमन से, बहार आके जाए न तेरे चमन से, बदल जाए खुशबू में तेरा पसीना। तू सैयद तू सूफी तू शायर मुहक्किक, तू सैयद तू सूफी तू शायर मुहक्किक, तू पंच तन लड़ी में परोया नगीना। तू सैयद तू सूफी तू शायर मुहक्किक, तू पंच तन लड़ी में परोया नगीना, अखुवत मोहब्बत शराफत का पेकर, अखुवत मोहब्बत शराफत का पेकर, सिखाया है जिसने अदब का करीना। है यारों की महफिल में तू जाने महफिल, है यारों की महफिल में तू जाने महफिल, हर एक पे कुशादा तेरा कल्ब सीना, लबों पे है साबिर के ये विर्द जारी, लबों पे है साबिर के ये विर्द जारी, तेरे साथ जाएं दियारे मदीना। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। दोस्तों, नवाज़ साबिर साहब नासिर अली सैयद साहब को ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे और उनका जन्मदिन अभी अभी गुजरा है, 1 मई था, और बहुत सारे इनसे लोग इतनी मोहब्बत करते हैं कि बहुत सारे शायरों अदीबों और आम लोगों को इनकी बर्थडे याद है, और इनकी बर्थडे से पहले ही जो है तो मुबारकबाद के पैगाम शुरू हो जाते हैं।